मुंबई में आज से दफ्तर खुल गए हैं। बेस्ट की बसें भी चालू हो चुकी है। इस छूट के वजह से मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। करीब 2.5 महीने के बाद मुंबई की सड़कों पर जाम नज़र आया है। आज से कुछ चीज़ों की सहूलियत दी गई है और इसी को देखते हुए मुंबई की सड़कों पर जाम नज़र आ रहा है। आज से सारे ऑफिस खुल चुके हैं और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 10% कर्मचारी ही काम कर सकते हैं। इसलिए सारे ऑफिस कर्मचारी या तो बस से या तो अपने प्राइवेट वाहन को लेकर निकल पड़े हैं। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस में ही नहीं, मुंबई की हर सड़कों पर ऐसा हाल नज़र आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी इसी तरह से लोग नज़र आ रहे हैं। उद्धव सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक समुद्र किनारे लोग सैर करने जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। पर यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मामला ही नज़र नहीं आ रहा है। देखिए वीडियो किस तरह से भीड़ इकट्ठा है। लोग सैर के लिए निकले तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। पास में पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, लेकिन किसी को भी दूरी बनाकर रखने को नहीं कहा जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में हर रोज़ कोरोना का मामला सामने आ रहा है, आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में अनलॉक 1 तो शुरू हो चुका है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर जाम नज़र आ रहा है और लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।